वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। भारत से कश्मीर लेने की कल्पना करने वाला पाकिस्तान आज आपसी सिर्फ डबल का शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बनाया गया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में सियासी ड्रामा जारी है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने बुधवार देर रात पेशावर में एक विशाल रैली बुलाई। देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार आयोजित इस रैली में इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर जुबानी हमले किए। इस दौरान पीटीआई नेता ने पाकिस्तानी युवाओं से नए वजीर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाने का आह्वान भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व पर निशाना साधा है और कहा, ये 1970 के दशक का पाकिस्तान नहीं है बल्कि एक नया पाकिस्तान है। साथ ही साथ जहां लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, ये बात उन्होंने कही। भारी भीड़ में को संबोधित करते हुए पूर्व पीएम इमरान ने आगे कहा, यह पाकिस्तान है वो नया पाकिस्तान है ये, और यहाँ सोशल मीडिया का ये जो पाकिस्तान का दौर है ये देश के हित का दौर है। आज देश के पास 6 करोड़ मोबाइल फोन हैं जिनके जरिए युवा आवाज़ उठाते हैं, अब कोई भी उनका मुंह बंद नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर यूजर्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इमरान खान ने कड़ी आलोचना की है नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की, और उन्होंने चेतावनी भी दी है उन्हें और कहा है कि जिस दिन हम इस पर अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए उठाएंगे आपको बचने के लिए कोई जगह तक नहीं मिलेगी। बता दें कि पाकिस्तान में नई सरकार बनते ही फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी FIA ने इमरान की पार्टी के 8 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। आरोप है कि PTI के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर सेना प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। अब इसी मसले को लेकर इमरान खान भड़क उठे हैं और इन्होंने अपनी रैली में बोलते हुए कहा, पाकिस्तान के लोग शहबाज शरीफ को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह करोड़ों से अधिक के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं। पूर्व पीएम ने अपने आरोपों में कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ 40,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले हैं, क्या आपको लगता है कि हम उन्हें अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? जो भी ऐसा सोचता हो तो उसे बता दें कि यह 1970 का पाकिस्तान नहीं है जब जुल्फिकार अली भुट्टो को विदेशी ताकतों की मदद से हटा दिया गया था। यह एक नया पाकिस्तान है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के अध्यक्ष और विपक्ष के पूर्व नेता शहबाज शरीफ को इमरान खान की सरकार गिरने के बाद बीते सोमवार को देश की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुना गया है। ये भी बता दें कि विपक्षी की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना न कर पाने के कारण इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था।